हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम एनर्जी लेवल्स पर पूछा गया है किसी मॉलिक्यूल के रेशियो है ना, वेवलेंथ्स का आर एक रेशियो समझ लो, हमें लैम्डा वन बाय लैम्डा टू पता करना है। ये कुछ एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, पहले समझ लेते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल के बीच में शफल करता है, यहाँ पर एनर्जी लूज कर रहा है ये, तो आप कहते हो कि ये जो डेल्टा ई का टर्म आ रहा है चेंज इन एनर्जी, वो हमेशा होता है एच सी डिवाइड बाय क्या उसकी वेवलेंथ इन्वॉल्व होगी। इसी कंसेप्ट को यूज करके डेल्टा ई मतलब ये आपके पास ई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा ई वन, इट शुड बी फाइनल माइनस इनिशियल। चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अपना कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, ठीक है, उसको रखना है। जनरली जितना नीचे आएगा उतना नेगेटिव का टर्म होता है वो, है ना। तो यहाँ देखो वही बात हो रही है, पहले लैम्डा वन के लिए लिखते हैं और आप देखो अच्छे से कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू ये होगी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखोगे माइनस ऑफ टू ई फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय लैम्डा वन। एंड अगेन सिमिलरली आप लैम्डा टू के लिए जब पुटअप करोगे वैल्यूज तो इस एंड से इस एंड तक आ रहा है, मतलब ये वैल्यू फाइनल होगी। तो आप लिखोगे माइनस ऑफ फोर बाय थ्री टाइम्स ऑफ ई माइनस ऑफ माइनस ई इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा टू। मैं सीधा कहता हूं इस इक्वेशंस के आप रेशियो यहीं पर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या मिल रहा है अपन को, देखो अच्छे से, ये चीज तो कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया अपना, और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ई न्यूमरेटर में, और यहां बचेगा फोर माइनस थ्री दैट विल बी वन अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ ई, और एक नेगेटिव भी आ जाएगा। ये कैंसिलेशन हो जाएंगे काफी सारे, ये ऊपर निकल जाएगा, आपका आंसर आ रहा है लैम्डा टू बाय लैम्डा वन, इससे मिल रहा है अपन को, ये आ रहा है बेटा थ्री। और पूछा गया है अपन से लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, तो आगे मुझे लिखना चाहिए फिर से लैम्डा वन बाय लैम्डा टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री, तो ऑप्शन फोर यहाँ पर सही बैठ रहा है। जो बच्चे इससे डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि पहले तो जितना भी डिफरेंस है वो निकाल लो और उसको इन्वर्सली लैम्डा के रख दो, तो यहीं से मिल जाएगा अपन को आंसर, या एचसी वगैरह लिखने की नीड नहीं है। मैंने ये स्टेप वाइज सॉल्विंग करके दे दी आप लोगों को, जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये कर लिया अपन ने, क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंस होगा वो इन्वर्स में लैम्डा के जाता है, तो इससे डायरेक्ट मिल जाएगा अपन को आंसर, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।